आप थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपको, ऐसे दिख रहा है या थोड़ा 3 गुना से थोड़ी कम है, कम है ना। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मैं 1.5-2 इंच ही नहीं। किसी ने क्वेश्चन किया था कि डिजाइन से उनको समझ में नहीं आती प्लेसमेंट वगैरह कैसे क्लियरेंस रहते हैं, किसी ने किया था और किसी ने किया था? और पहला पॉइंट आज हम जो डिजाइन है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें, बोले तो आपको प्लेसमेंट कैसे क्लियर करें, ठीक है। इस पर लिखते हैं हाउ टू कैलकुलेट डिजाइन, ठीक है। डिजाइन में तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, ठीक। एक ही हो गया, सपोज करो देखो एक ही पिक्चर है, मैंने 2 जगह रखी है। अब मैं इसकी एक बॉडी बना रहा हूं, बॉडी थोड़ी बड़ी बना रहा हूं, ठीक है सिरो, समझ में आ रही है बॉडी? थोड़ी अगर लग रही हो तो मैं इसको थोड़ी बॉडी खिसका सकता हूँ, खिसक गई ना, हाँ तो ठीक है, ये हो गई। अब देखो ये डिजाइन है, आपको यही डिजाइन उतारनी है कॉपी। सपोज करो आपका ये टैग पैक है, क्या है ये? हाँ टैग पैक है, और ये उससे छोटा टैग पैक है, एक ही चीज है। आपको ना तो इसका मेजरमेंट पता है, ना तो इसकी लंबाई चौड़ाई, कुछ नहीं, ठीक है। सपोज करो इसमें 2 लोग खड़े हो जाओ, हाँ बॉडी में डिफरेंट नजर आ रहा है, डिफरेंट है ना। सपोज करो छोटे वाले टैग ये हैं, बड़े वाले ये हैं, ठीक। एक ही डिजाइन आपको मेजरमेंट दे दिया गया, इनका मेजरमेंट अलग है, आपका मेजरमेंट अलग है, ठीक है। जब आप बनाते हैं तो सब ये क्या मिलता है, A4 साइज पेपर पे मिलता है, कितने मिलता है? A4 साइज में पेपर इतना रहता है, हाँ। ये एक आध टैग पैक वगैरह पड़ा है, उसको और थोड़ा दिखा देता हूँ, ऐसे ये है, ठीक है। कभी कभी क्या है, किसी में बड़ी खुश रहो तो इसमें आ जाती है, नहीं तो इसमें भी कॉलम में बन के आएगी। सपोज करो ये A4 साइज पेपर है, इधर देखो, और ये आपकी डिजाइन है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये बड़ा पेपर है और ये इसकी डिजाइन है, ठीक है। सपोज करो आपके पास मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट है ही नहीं, अब इसके प्लेसमेंट आपको इसमें लगाने हैं, यही तो है। जो ये आपकी डिजाइन है आपको किसमें करना है, इसमें लगानी है, इसी पे करनी है, ठीक है। ये वाली डिजाइन समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास ये एक डिजाइन दी है, इसको हमें ये करना है, पर इसमें क्या हमें मेजरमेंट दे रखा है कि इस वाले का साइज का बनाना है। सपोज करो हम इसको M का बना रहे हैं या स्मॉल का बना रहे हैं, जो भी बना रहे दोनों में से, ठीक है, ठीक, स्मॉल या मीडियम जो भी बना रहे हम, ठीक है। हमारे पास एक मेजरमेंट दे दिया कि हमें इसके हिसाब से ये डिजाइन बनानी है, पर पिक्चर आपको हमेशा ऐसी मिलेगी, ठीक है। कभी कभी क्या होगी, आपको फुल पेज पे मिल जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। यही आपकी पूरी जिंदगी तक चलता रहेगा, मास्टर जब तक तो मास्टरी का काम करोगे तब से, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का मेथड सीखोगे, आ जाओ, क्या सीखोगे? कैलकुलेट करने का मेथड। उसके लिए हमने क्या किया, देखो एक पैटर्न, एक ये लिया, एक ये लिया है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये किस किस को समझ में आ रही है बता दो, जो नहीं समझ में आ रही तो और क्लियर कराते तुम्हारी। ये चीजें समझ में है? अब बैठ जाओ, अब थोड़ा कंसेंट्रेट होकर सुनना, अभी लिखो मत कुछ भी, लिखना बाद में, समझ में आए तब। मैंने कहा था नहीं, जब तक कोई चीज समझ में ना आए पूछ के और लड़ाई क्यों हुई है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। जब तक पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तब तक लिखो मत, जब क्लियर हो जाएगा फिर अपनी भाषा में लिखो क्या आपको समझ में आ रहा है। जैसे सपोज करो आपके पास एक पिक्चर, ये सेम पिक्चर मैंने यहाँ रखी है, ठीक है, उसकी आकृति मुझे इसमें बनानी है, इसका मेरा साइज बड़ा है, अब मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, पर डिजाइन तो मुझे यही देनी है। आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बड़े बड़े नक्शे बनते हैं मकानों के, ठीक है, तो बड़े उस खेत में थोड़ी नहीं बनाते, उस प्लॉट में ले जाके बनते तो उसी साइज पे हैं, तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनको बोलते हैं प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ प्लेसमेंट के हिसाब से हमारी चीजें चलती हैं, ज्यादा चीज क्लियर है?
अब जैसे प्लेसमेंट के एग्जांपल पे देखो, मैंने जैसे ये है मेरे पास में पैटर्न, यहां से मैं एक पॉइंट उठाया, ठीक है, और यहां से मैंने एक पॉइंट उठा लिया, ठीक है। ये क्लास मैंने पहले भी बताई, अब थोड़ी डिटेल में लेकर चल रहा हूं। ये है, मैंने इन दोनों के बीच में एक पॉइंट डाल दिया, यहां से लगभग यही होगा, ठीक है, और एक पॉइंट फिर यहां डाल दिया और एक पॉइंट यहां डाल दिया, ठीक है, लगभग में है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसकी एक ये लाइन आ रही है और इसकी एक ये आ रही है और एक इसकी ये आ रही है, ठीक है, लगभग में वेरिएशन है लाइन में, दिख रहा है ना, वो हमारे यहां पे वेरिएशन हुआ है, इस वजह से है, ठीक है। तो हमने इसको कितने डिवाइड में कर लिया, चार में, वन वटा फोर। आप वन वटा सिक्स भी कर सकते हैं, वन वटा एट भी कर सकते हैं, अगर मान लो चीजें छोटी छोटी हैं तो। ज्यादा चीज क्लियर है? अब आपने ये चीज बनाई कहां तक, आई आरमोल तक, आरमोल तक तो है, एक ये है और दूसरी कौन सी है, एक ये है। ज्यादा चीज क्लियर है? अब मुझे यही लाइन लानी है, सपोज करो मेरे पास ये पॉइंट आ गया, इनका दोनों का पॉइंट ले लूं मैं लगभग, ठीक है। अब इसको एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसका यहां होगा, ठीक है, एक पॉइंट दोनों का यहां होगा। याद है चीजें क्लियर है? मैंने यहां से गया, ऐसे उठाई मैंने चीजें, ये ले गया और इसको चीजें उठाई, ये ले गया और इसको करा, ये ले गया, प्लेसमेंट होगा, क्लियर ना? तो मुझे इसका मेजरमेंट पता है ना तो इसका, क्लियर है चीजें, समझ में आ गया? ना आपको भी पता है ना मुझे पता है, प्लेसमेंट कैसे निकालने, समझ में आ रहा है? अगर आप एग्जाम्पल सपोज करो, ये आपकी डिजाइन है, ये क्या है, आपकी डिजाइन है। अब आपको इस डिजाइन को निकालना है, ये वाली डिजाइन है आपकी, ये जो डिजाइन है आरमोल बना, सपोज करो आपके पास बॉडी बनी हुई है, ये, ठीक, इसमें पैनल बना हुआ है कि आपका अंडर बस्ट पे ये है, आपके पास मेजरमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप देखते रहो, ठीक है। तो आप इसमें क्या डिवाइड करोगे, पहले तो आप यहां जाओगे पॉइंट पे, ठीक है। अब ये पॉइंट कितने पे होगा, आरमोल का पॉइंट है जो, कोई बता सकता है इसको, ठीक है। तो यही चीज है कि आप चीजों को रटते हो, क्या करते हो, देखो इसने पॉइंट सिंपल सा दिखाया है कि आपका बस्ट पॉइंट है, आपको नॉर्मली पता है कि आपकी डमी का स्मॉल भी होगी तो दो सूत का वेरिएशन आता है, स्मॉल भी होगी तो दो सूत की, डेढ़ दो सूत की ग्रेडिंग होगी आपकी, जंप नीचे करेगी। तो हमें ये नहीं देखना उसने क्या दिया है, यहाँ पे बाजू और ना बाजू से तो कोई मेथड नहीं है, जब आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आया? अब जैसे मान लो आपकी फ्रंट नेक ड्रॉप है ये वाली, ठीक, नॉर्मली कितनी रहती है आपकी, तीन रहती है, ठीक है, कभी कभी एक आध सूत कम भी हो जाती है, कोई इशू नहीं उससे, हम तीन ही रखते हैं, ठीक। आपको पता है जैसे ये आपका एक रोस है, ठीक, ये बस्ट है आपकी, यहां से चीजें क्लियर है, ये है। अब यहां से जो पॉइंट है इसका कितनी डिस्टेंस होगी और इसकी कितनी डिस्टेंस है, कैसे आइडिया लगा सकते हो? हाँ, जैसे मान लो ये वैल्यू कितनी है तो ये कितनी होगी, ये हो सकता है पीस ही आपका इतना छोटा हो पूरा, ठीक है, पूरे पीस इतने छोटे बन रहा है, ये वाला इतना बड़ा, ठीक है, इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है अगर ये एरिया इतना है तो इसका क्या गुना है, ये फिर इंची में आ गए, हो सकता है ये पूरा पैटर्न ही दो सेंटीमीटर बन रहा हो, इसके जो बन रही है हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। सपोज करो आपको ये वाली पिक्चर है, अब मैं इनको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ दीपक जी, है ना, अब बताओ, अब आपको दिख नहीं रहा तो इसलिए मैंने जूम कर दी पिक्चर, ठीक है, ये तो दो डेढ़ दो इंची हो गए, देखो देखो ये पॉइंट है आपका, इसकी आपको वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको वैल्यू निकालनी है, ढाई क्या होगा, हाँ थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपको, ऐसे दिख रहा है या थोड़ा,
तीन गुना से थोड़ी कम है ना। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मैं डेढ़ दो इंची नहीं, ढाई गुने हैं। आज आप प्लेसमेंट सीख जाओगे इसका मतलब फिर तो। चलो आ जाओ, नई टास्क दो इनको। आप सपोज करो आपके पास में इसी पे आ जाते हम, ठीक है। यहां से जो डिस्टेंस है आपकी, यहां से जो डिस्टेंस है ये है आपकी, यहां तो चीजें क्लियर है। अब यहां की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो कितना बड़ा है? दगाओ भेजा। ये हमारा पॉइंट ये है ना, ये उस टाइप से मैंने ये ललकी वाला निशान लगा दिया, एक ये है, ठीक है। इतना ही मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज करो मेरा ये आ गया, ठीक है। ज्यादा तो नहीं लगा दिया, ठीक है। अब बताओ कैलकुलेशन कितनी वैल्यू है? डेढ़ है, पौने दो है, डेढ़ से थोड़ी प्लस है, पौने दो से थोड़ी कम है, ऐसे ही है ना। डेढ़ से प्लस है, पौने दो से कम है। अब बताओ मैंने कोई मेजरमेंट बताया आपको? नहीं बताया ना। यही तो आपका टेक्निक बोलता है कि आप इनको देखो, आइडिया लगाओ कहां की वैल्यू कितनी है। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया था किसका बनाना है, इनका दे दिया तो इनके हिसाब से प्लेसमेंट चेंज होंगे, अगर उन लड़के का दे दिया तो उसके हिसाब से चेंज होंगे। समझ में आ गया? डिजाइन वही आनी चाहिए, सिर्फ प्लेसमेंट कैलकुलेट करने, प्लेसमेंट कोई मेजरमेंट से कैलकुलेट नहीं करने। तो वही चीज है, आपको जो क्वेश्चन होता है उसी में आपका आंसर छुपा होता है। जैसे मान लो यहां का था, मैंने इससे पैरेलल कर दिया तो इसमें आंसर था कि इसके अकॉर्डिंग डालो पैनल कितने बचेंगे, उस हिसाब से वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने जैसे यहां यहां दिया, ठीक है, यहां पॉइंट किया, तो उससे अपनी चीजों को वैल्यू कर सकते हैं। समझ में आया?